फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मा। तो फ्रेंड्स आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मटन कोरमा। तो आइए मैं बताती हूँ वो मैं किस तरह से बनाऊँगी। तो फ्रेंड मैंने 1 किलो प्याज ली है, उसको ये मैंने इसका फ्राई भी कर ली है और कुछ उसमें से मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये मेरे कुछ गर्म मसाले हैं, आप देख सकते हैं जो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। इधर मेरा हो चुका है ऑयल गर्म, तो मैं इसमें ऐड करूंगी। तो ये मैंने दही ली है 1/2 किलो, मटन का गोश्त है जो मैंने लिया है 3 किलो। तो फिर इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ऐसा मैं देखिए ये ऐड कर रही हूँ गोश्त और इसको फ्राई करूँगी कुछ देर। अच्छी तरह से इसको मैं फ्राई कर लूँगी और अब सबसे पहले मैं इसमें जब ये मैंने गोल्डन जाएगा तो मैं डालूंगी नमक, इसको अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स और सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, देखिए इस तरह से, देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। और अब ये मैं फुल फ्लेम पर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छी तरह से मिक्स करकर अब ये गलने लगा गया, उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी वो भी आपको बताऊंगी। तो अभी पहले इसको मैं ज़रा बना रही हूँ ताकि इसकी जो स्मेल है वो सब निकल जाए, वो ज़रूरी है निकलना। तो जितना ही भुनेगा उतना ही टेस्टी होगा। मैंने आपको हर वीडियो में यही बताती हूँ कि जितनी हमारी ग्रेवी भुनेगी, मसाला भुनेगा, उतना ही खाना टेस्टी होगा। फ्रेंड्स अच्छी तरह से ये भुन रहा है और मैं इसमें डालूंगी ग्रेवी, मतलब जो मसाले हैं वो ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट जो इसमें ऐड कर लिया है। ये मैंने लिए हैं धनिया पाउडर। तो फ्रेंड्स मैंने 3 किलो के हिसाब से ये धनिया पाउडर ऐड किया है। अभी मिर्च कर रही हूँ मैं, ये देखिए मिर्च पाउडर। आप अपने सारे डालें, आप तीखा पसंद करते हैं या कम, जैसे भी हो एज यू विश। देखिए हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी ही डालूंगी, ये देखिए ये मैंने इसमें ऐड कर दी है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये नहीं बोलो, देखिए प्याज जो मैंने इस तरह से चॉप की है बारीक, ये भी मैं मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने दही ली है, ये मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1/2 किलो दही फ्रेश, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने कश्मीरी मिर्च ली है कुछ जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, इससे कलर मसाला बहुत अच्छा आएगा, देखिए उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपको कम से कम इसे 25 मिनट कोई मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से गोश्त को बना लूँगी। थोड़ा ढककर बना लूँगी ताकि गोश्त भी गल जाए और ये भून भी जाए। 15 मिनट हो चुके हैं तो मैं इस तरह से खोल कर देखती हूँ कितना बना। मसाला अभी तैयार हो रहा है, अभी नहीं गला, साफ दिख रहा है। अभी कम से कम 15 मिनट ही मैं इसको और ढककर बनाऊंगी ताकि अच्छी तरह से गोश्त गल जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ्रेंड्स मसाला मेरा रेडी है, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जो ये मैंने फ्राई की थी प्याज, इसको ऐड करूँगी। देखिए इससे एक अलग ही फ्लेवर आता है, टेक्सचर आता है कोरमे में और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मसाला जैसा देखने में हो रहा है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी होगा। इधर मैंने ड्राई फ्रूट जो मैंने
ये पेस्ट जो है मेरा काजू और बादाम का है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करो ये देखिए, और चारों मगज जो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ वो इसमें ऐड कर लिए हैं। देखिए मेरा ये हो रहा है कौरमा रेडी, मटन कौरमा। तो फ्रेंड मैंने मीडियम इसकी फ्लेम रख रखा है और उस पर ये मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाई थी तो मैंने ऑयल में सबसे पहले मैंने गरम मसाला ऐड किया था, वो मोटा ऐड था, और अब मैं होममेड गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी ताकि इसका फ्लेवर अच्छा है। ये देखिए ये इतना मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके बना लूँगी। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से कौरमा बनाएं, बहुत टेस्टी होगा, बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मैं एक न्यू रेसिपी के साथ फिर कल हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।